अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी 31 न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जेरे एहतमाम इंतखाबात 2022 का इनेकाद जारिया माह की 30 तारीख को होगा, जिसमें हनुमान सागर ने प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए और मोहम्मद मोइनुद्दीन सिविल इंजीनियर ने वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए इंतखाबात में हिस्सा लिया है। उन्होंने एसोसिएशन के अराकीन से गुजारिश की कि वो अपना कीमती वोट देकर उन्हें एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर मुंतखब करे। आइए देखते हैं टीवी 31 न्यूज नेटवर्क की ये खुसूसी रिपोर्ट में मजीद तफसीलात। हर खबर से बाखबर रहने के लिए टीवी 31 न्यूज नेटवर्क को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अपनी बहुत खुशनसीबी समझता हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट कैंडिडेट हनुमान सागर साहब मेरे को इलेक्शन लड़ने का मौका दिए उनके पैनल से। मेरी बहुत खुशनसीबी है, ये मौके को मैं हाथ से जाने मत दूंगा। और खुसूसन मैं हमारे कंट्रैक्टर भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि रूमर्स की बातों में मत आइए, कि काबिल इंसान के साथ दीजिए आप। रूमर्स काफ़ी बातें फैला रहे हैं पुराना पैनल वगैरह बोल के। सिर्फ हमारे साथ हमारे पास हनुमान सागर अन्ना प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए ठहरे हुए हैं, काफ़ी तजुर्बेकार है, इसलिए हम उनका इंतखाब करे हैं। उनके साथ हमारे तमाम पैनल के भास्कर अन्ना, मैं मोइन श्री प्रीतम श्री सलम अन्ना, सुनील अन्ना, शोभन अन्ना और शिवराम अन्ना, कृष्णा अन्ना, पूरे हमारे पैनल में मजबूत श्रीनिवास अन्ना, कुमरा मल्लू अन्ना, सब पूरे मजबूत हाथ हमारे हनुमान सागर साहब के साथ है। आने वाले दिनों में अगर आप अपने वोट का गलत इस्तेमाल करें तो आप खुद पछतावे में रहेंगे, इसलिए हम ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको एमयू इश्यू होने नहीं देंगे। आगे वाले का मैं को अभी पता चला है कि उनके आरएमसी प्लान वगैरह है, मैं खुलासा नहीं करना चाह रहा हूँ, शॉर्ट में आपको समझाना चाह रहा हूँ। टेंडर डालने के लिए एमओयू की ज़रूरत रहती है, वो लोग क्या करेंगे, गैदरिंग करके पूरे आरएमसी वालों को ब्लैकमेल करेंगे। अगर से खुदा ना खास्ता अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं, पहले तो इलेक्शन जीतने का कोई एहसास नहीं है, हमारे काबिल इंसान ही इलेक्शन जीतेंगे। अगर खुदा ना खास्ता आप अपने वोट का गलत इस्तेमाल करके आगे वालों को जिता देंगे तो आपको टेंडर डालने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कोई आरएमसी वाले को एमओयू इशू करने नहीं देंगे, बगैर एमओयू के आप एलिजिबल उसमें टेंडर में एलिजिबल नहीं होते। लिहाजा और थोड़े थोड़े खुलासे इलेक्शन के करीब आने तक हम एक एक खुलासा करते रहेंगे। आप समझदारी से काम लेके पूरा यूथ चैनल है हमारा, हनुमान सागर साहब के साथ है हम लोग, और तजुर्बा उनके गाइडेंस पे हम हमारी बॉडी बनाएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर जीत हमारी होगी और हम आप लोगों के दरमियान में रात और दिन रहेंगे। रात में अगर आपके साइड पे कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी की मौत हो जाएगी, तो आप हमारे पैनल के एक भी आदमी को अगर फ़ोन करेंगे तो 21 का 21 हनुमान सागर अन्ना के साथ आधी रात को भी खड़े रहेंगे। याद रखिए आप 30 तारीख के दिन 9 बजे से 3 बजे तक रेड रोज फंक्शन हॉल में इलेक्शन है, अपने एक एक को गाफिल मत रहिए। हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख ईसाई भाई, जितने भी भाइयों हैं, सबको आपका ये फ़र्ज बनता है कि उसके हर एक से अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए और हमारे हनुमान सागर अन्ना के हक में अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और पूरे पैनल को जिताइए। इंशाल्लाह हम जीत होने के बाद भी हम ये इलेक्शन का टाइम है बोल के नहीं, हम आगे भी आप कभी भी मुसीबत में रहेंगे तो आधी रात को आपके साथ हम ठहरे हुए रहेंगे। हम ये हमको विश्वास दिलाते हैं, वचन देते हैं, कसम खाते हैं, आप कभी भी हमको आजमा के देख लीजिए। आने वाले पूरे 3 साल कंट्रैक्टरों की ज़िंदगी में खुशहाली के 3 साल लाएंगे हम। बराए करम मेहरबानी, आप गलत फहमियों का शिकार मत हुए, खाइए पिए जो भी पीना है वो लोग के साथ करिए बराबर, मगर वोट डालते वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और सही आदमी का इंतखाब कीजिए। ये तजुर्बेकार आदमी है, इनका कमिश्नर से लिंक से, पॉलिटिकल लिंक से, मेरा भी तेलंगाना की बड़ी पार्टी से पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ हूँ मैं, प्राइमरी यूनिट का मैं भी प्रेसिडेंट हूँ फिलवकत, और मैं इसीलिए हनुमान सागर साहब के साथ ठहरा हुआ हूँ कि काफ़ी सुलझे हुए इंसान और समझदार इंसान है। लिहाजा आप लोगों से अदबन गुजारिश की जाती है, इस मौके को आप हाथ से मत जाने दीजिए। इस बार अपने वोट का इस्तेमाल रेड रोज पे फंक्शन हॉल पे आकर डालिए और हनुमान सागर अन्ना प्रेसिडेंट के लिए ठहरे हैं, हमारे भास्कर अन्ना जनरल प्रेसिडेंट के लिए ठहरे हुए, VP2 प्रेसिडेंट के लिए हमारे श्री सलम अन्ना ठहरे हुए और मैं खुद VP4 प्रेसिडेंट के लिए, मोइन मेरा नाम है। जो नहीं जानते मेरे हिंदू भाइयों से गुजारिश है,
अनमन सागर अन्ना मेरे बारे में आपको तारुफ करेंगे, मेरे हक में भी वोट इस्तेमाल कीजिए, एक माइनॉरिटी का आदमी भी रहना जरूरी है। मुस्लिम बस्ती में कभी आप काम कर रहे हैं तो मैं आधी रात को आपके पास आऊँगा, आपको हिंदी का प्रॉब्लम अगर हुएगा तो मैं अपना उर्दू में मेरा काम समझ के आपके साथ रात भर ठहर के आपको कोऑपरेट करूँगा, आपके गाड़ियों को उतारूँगा, आपके लेबर का पूरी हेल्प करूँगा मुस्लिम बस्ती में, और कभी भी ज़रूरत पड़ी तो हमारे सागर अन्ना हनुमान सागर साहब को मैं लेके आऊँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और हमारे साउथ जोन के सुनील अन्ना भी जॉइंट सेक्रेटरी थ्री के लिए ठहरे हुए, ऑर्गेनाइजेशन थ्री के लिए ठहरे हुए, हमारे शोभन अन्ना जॉइंट सेक्रेटरी थ्री के लिए ठहरे हुए, हमारे शिवराम अन्ना भी जॉइंट सेक्रेटरी टू के फाइव के लिए सिक्स के लिए ठहरे हुए। तमाम पैनल से मैं तारुफ करा रहा हूँ, मेरे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाइयों से गुजारिश फिर एक बार कर रहा हूँ, अपने वोट का इस्तेमाल सच हक में दीजिए, सच आदमी का साथ दीजिए, फिर ना कहना कि तीन साल तक आपको पछतावे में रहना पड़ेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। అందరూ కాంట్రాక్టర్లు ఏమంటారు అంటే డిమాండ్ చేసిన పాతలు పాతలు పాతలు, నా పైన ఎవరు ఒక పాత కాంట్రాక్టర్ లేరు, పోయినటువంటి యంగ్ కాంట్రాక్టరు భాస్కర్ రావు గారు, శోభన్ బాబు గారు, సునీల్ గారు, శ్రీనివాస్ గారు, శివరామ్ గారు, శ్రీశైలం గారు, మఠం శ్రీశైలం ఎల్బీ నగర్ నుంచి మెయిన్ స్ట్రాంగ్ క్యాండిడేట్ అతను, ఇంకా కొమరమల్లు గారు మెయిన్, కొమరమల్లు గారు, గండికోట శ్రీనివాసు, మేడి కృష్ణ, శివరామ్ గారు, వీళ్ళందరూ నా ప్యానెల్లో ఉన్నారు. ఈ నేను ఎజెండా రిలీజ్ చేసిన తర్వాత రేపు ఎన్నిడో మీరందరూ మా ప్యానెల్ అందరికీ ఆశీర్వదించాలని ప్రత్యేకంగా కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. भैया नमस्ते, मैं साउथन का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरा नाम साई किरण है, भाई साउथन का सीनियर कॉन्ट्रैक्टर मिर्जा भाई है, ये हमारे मोहिन भाई के बड़े बेटे साहब है, जो भी यंग कॉन्ट्रैक्टर है, मेरे साथ आर एस है, इन्होंने हनुमान सार अन्ना साहब के बेटे पवन भाई, इन्होंने भी सीनियर कॉन्ट्रैक्टर है। अब तक हनुमान सागर अन्ना और मोहिन भाई जो बोले वो 101% करेक्ट है। ये हम एसोसिएशन हनुमान सागर अन्ना 17 ईयर्स एसोसिएशन में 38 ईयर्स से दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। जीएचएमसी में 30 सर्कल में से भी उन्होंने हर एक सर्कल में 365 डेज में वर्क चलते रहते हैं। वैसे ही हमारे मोइन भाई भी खाली साउथ जोन का है, उन्होंने साउथ जोन का, मगर उन्होंने हैदराबाद सिटी में भी हर सर्कल में उनका काम चलते हैं। इसकी वजह ये क्या है, कौन से सर्कल में कॉन्ट्रैक्टर को क्या तकलीफ है, क्या हो रहा, किधर का साइड का प्रॉब्लम हो रहा, बिलों का कैसा प्रॉब्लम हो रहा, सिर्फ साउथ जोन का नहीं या सिटी का पूरा भी या हनुमान सराना को मालूम है, मोहिन भाई को भी मालूम है। ऐसे लोगों को अपन यूनियन में लगाए तो क्या है, हर एक जने इन लोगों कॉन्ट्रैक्टर के छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्टर 2000 तक है हमारे पास रेगुलर काम करने वाला, उन लोगों की तकलीफा भी ऊपर के हायर ऑफिशियल्स तक इन लोग लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमारे मोहिन भाई है, उन्होंने आज 1 लाख रुपए का भी काम करता और 1 करोड़ रुपए का भी काम करता, वो उसका 1 लाख का कितना तकलीफ होता था वो भी उनको मालूम है, 1 करोड़ के बिल में भी कितना तकलीफ हम कॉन्ट्रैक्टर फेस करते वो भी उनको मालूम है। तो ऐसे लोगों को इंकरेजमेंट करके एसोसिएशन हेड ऑफिस के एसोसिएशन में बिठाए तो कल आगे फ्यूचर हम लोगों की जनरेशन, जैसा मैं हूँ, हमारे भाई है और एक भाई आए, हम लोगों के जनरेशनों को हम लोग को एक अच्छी रास्ता दिखाने वाले होते बोल के हम लोग साउथ जोन से हमारे मोहिन भाई को और हनुमान सागर अन्ना को, सुनील अन्ना को चुने हुए हैं। इन लोगों को इंस्पिरेशन लेके हम लोग आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। हर एक को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे मोहिन भाई और हनुमान सागर अन्ना और सुनील अन्ना और हनुमान सागर अन्ना के पैनल को वोट डाल के जिता के ये ब्राइट फ्यूचर के लिए एसोसिएशन में बिठाना बोल के हर एक कॉन्ट्रैक्टर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा। पोलिंग डेट कब है? ये 30 तारीख के दिन पोलिंग है, मॉर्निंग 8 से 5 o'clock तक पोलिंग है। वो दिन सिटी में हर कोई कॉन्ट्रैक्टर या पोटेंचर से लेके एलबी नगर तक, उपल से लेके राजेंद्र नगर तक, हर कॉन्ट्रैक्टर कितने जने आके वोट का सच्चाई के लिए वोट डाल के हमारे लोगों को जिताना बोल के मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा। पोलिंग लोकेशन हम सुने कि आप कॉन्ट्रैक्टर्स के यूथ आइकॉन बोलते हैं, सही है ये? हम यूथ आइकॉन ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, हम काम करने वाले हैं, हमारे काम की तरह। जिसके बारे में आपका पेपर रिजेक्ट कराए वांटेड लिस्ट इलेक्शन नॉमिनेशन, या अभी मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी 1 को कंटेस्ट करा था, मेरा गलती से वो गलती है बोल के मैं नहीं बोलता हूँ, अब आप लोग डिसाइड करना है, मैं 1 नहीं लिखा था जिसके आपको टारगेट रखा गया, वजह से मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था। फिर भी मेरा अब मेरा और जिम्मेदारी बढ़ गया, अगर मेरे को एप्लीकेशन एक्सेप्ट करे तो मेरे अकेले लिए मैं लड़ता था,
अब मेरे को और जिम्मेदारी बढ़ गया, मेरा सीट एक नहीं है, अभी मेरा सीट पूरा पैनल की सीट मेरा है। अब हमारे मोइन भाई का सीट मेरा है, सुनील अन्ना का सीट मेरा है, और भास्कर अन्ना का, हनुमान सहाराना सीट भी, वो भी साई किरण का ही है। अब हरेक मैं अकेले के पर्सनल सीट के लिए जितने लड़ता हूँ उससे 100 गुना ज़्यादा ये सीटों के लिए मैं लड़ के हमारे आदमियों को मैं जिता के मैं बता सकता हूँ। हनुमान सागर का पैनल जीतेगा।